मंगलम दंगलम। नहीं जोड़ना है आप लोगों को रिश्ता हमसे तो मत जोड़िए, तोड़ दो ये रिश्ता। रूमी के पापू, ये आप क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाओ रिंकू बेटा, शांत हो जाओ। नहीं माँ, बहुत हो गया सब कुछ, बहुत सुन ली इनकी खरी खोटी। नहीं जोड़ना है ना इन लोगों को रिश्ता, तोड़ दो ये रिश्ता, खत्म। अगर नए साल की शुरुआत यूं ही होनी है ना तो यूं ही सही, ये सब कुछ खत्म। हैप्पी न्यू ईयर रूमी। अब इससे अच्छा गिफ्ट तो मैं तुझे दे ही नहीं सकती थी ना यार, और बदले में तूने भी जाने अनजाने मुझे गिफ्ट दे ही डाला। अर्जुन, देखो मिस्टर सकलेचा, गुस्सा में लिया हुआ डिसीजन कभी कभी गलत होता है, आप थोड़ा अपना दिमाग को ठंडा करो, फिर हम बैठ के इसके ऊपर बात करते हैं, हैं? ये मिस्टर कुट्टी तो बना बनाया केल बिगाड़ रहे हैं। इतना इंसल्ट होने के बाद हमको किसी से कोई बात नहीं करने का, ना बैठ के करने का, ना खड़ा होके करने का है। क्या किया ये लोग हमारे साथ, हमारे इतना गेस्ट को बुला के हमारे साथ प्रैंक किया, ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करके जैसे ये लोग कुछ किया ही नहीं है। अगर ये लोग सोचता है कि शादी तोड़ने का बात करके आम लोग डर जाएगा तो आम लोग नहीं डरेगा, आम लोग भी शादी तोड़ने के लिए रेडी है। अगर ये लोग दोबारा आम से माफी मांग के भी रिश्ता जोड़ने को आएगा ना तो आम को अभी ये शादी नहीं करने का है। चलो अर्जुन, अम्मा प्लीज, अब बात को कहां से कहां तक लेके जा रही है, देखिए ना। तो मैं चलेगा अपना अम्मा के साथ या अम्मा अकेले जाएगा? अर्जुन, अगर आज हम इधर से तुम्हारा बिना गया तो तुम्हारा कसम है हमको, तुम इस घर में वापस आ जाएगा लेकिन हमारे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। चलो मिस्टर कुट्टी। की खरी खोटी, नहीं जोड़ना है ना इन लोगों को रिश्ता, तोड़ दो ये रिश्ता, खत्म। हम लोग भी शादी तोड़ने के लिए रेडी है। कुट्टी पहला इंसान होगा जो हैप्पी न्यू ईयर तुम्हें मिस करेगा एक लवली लवली किस के साथ। न्यू ईयर में विश करने का वादा किया था हमने एक दूसरे को, पर ये नया साल इतना बड़ा तोहफा देकर जाएगा हमें, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज के बाद ये तो क्या, कोई भी न्यू ईयर कभी भी हैप्पी नहीं होगा मेरे लिए।
नहीं जानती रूमी सकलेचा, लावण्या को बचपन से ही जीतने की आदत है। तू और अर्जुन एक दूसरे को किस करके न्यू ईयर विश करना चाहते थे, खुश। ये सपना तो टूट गया क्योंकि न्यू ईयर तो छोड़, तू तो उसे गुड बाय किस भी नहीं कर पाई। सो सैड। कहा था ना मैंने रूमी सकलेचा कि मैं तेरी शादी तोड़वा के रहूंगी, सो तोड़वा दी मैंने। ये शादी तोड़ के तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक मैंने तुम्हारी हर गलती माफ कर दी, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी। आपने ये शादी तोड़कर हम सबका दिल तोड़ दिया। देखिए अभी भी वक्त है, बदल लीजिए अपना फैसला, नहीं तो मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ मालिक, वैसे भी तो एक ही थप्पड़ की बात है और अपन तो रूमी दीदी से हजारों थप्पड़ खा सकते हैं। अपन के कारण जे शादी मत तोड़िए मालिक। मुझे बापू और मक्खन से जरूरी बात करनी है। अकेले में इस वक्त आम को मालूम है तुमको रूमी को बोलना बहुत इम्पॉसिबल है, पर आम तुम्हारे साथ है अर्जुना। आम हर तरह से तुम्हारे साथ देगा। तुम्हें देखा आपने कितने गेस्ट उधर था, आम सबको बोलेगा कि तुमको एकदम रूमी जैसा गर्ल ढूंढ के देने को। रूमी जैसी क्यों अम्मा? मेरे सवालों का जवाब नहीं है ना आपके पास अम्मा, क्योंकि शायद आप भी जानती हैं कि रूमी सकलेचा मेरे लिए, इस घर के लिए, इस कुट्टी परिवार के लिए शायद सबसे बेस्ट लड़की है। आपके सारे सवालों का जवाब तो उसने दे ही दिया था, आपका इंटरव्यू पास कर दिया, आपके ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर दिए। रूमी की नेचर, बिहेवियर, उसकी क्वालिटीज, उसका टैलेंट, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। आई एम प्रीटी श्योर हम सब लोग ये बात ऑलरेडी जानते हैं। और रही बात रूमी के पापू की, अगर हमारी ललिता के ऊपर भी कोई ऊंची आवाज में बात करता, उसको इंसल्ट करता, तो आप चुप बैठती? हमारे परिवार, हमारी फैमिली पे कोई अगर उंगली उठाएगा तो बुरा तो हमें भी लगेगा ना अम्मा। मिस्टर सकलेचा की गलती बस यही है कि वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। जान बसती है उनकी रूमी में। यू नो अम्मा, रूमी मिस्टर सकलेचा की कमजोरी है और कभी भी उनकी ताकत भी। लेकिन आपने क्या किया, आपने इतनी आसानी से उनकी कमजोरी पे ही वार कर दिया। वाइफ जी, धन्ना इज राइट, अर्जुन बहुत सही बोल रहा है। और देखिए ना, अब नया साल शुरू हो रहा है तो हमको भी हमारा थॉट्स नया करना चाहिए ना। पर बात सिर्फ हमारा नहीं है मिस्टर कुट्टी, आप देख नहीं वो हमारे गेस्ट को बुला के कैसे इंसल्ट किया सबका? और हमारे गेस्ट ने क्या किया? अगर इंसल्ट उन्होंने की तो हम भी पीछे नहीं रुके, तो अगर वो गलत वो हैं तो सही तो हम भी नहीं। किसी और को ब्लेम करने के पहले एक बार खुद के गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। That's it. Happy New Year. सबको बोलेगा कि तुमको एकदम रूमी जैसा गर्ल ढूंढ के देने को। रूमी जैसी क्यों अम्मा? What is the most strongest and powerful force on earth? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा पुल करने की शक्ति और किसी में नहीं होती, लेकिन मैम इंसानों में इससे भी बड़ी शक्ति होती है, प्यार की शक्ति। अम्मा, हाँ लावण्या का मैजिक देखा आपने?
ऐसा प्लान बनाया मैंने कि संजीव सकलेचा ने खुद ही अपनी बेटी की शादी तोड़ दी। देखते ही देखते पूरी बाजी पलट दी मैंने। अब बस मैंने लोहा गरम कर दिया है, आप उस पे ना हथौड़ा मार दीजिए। जल्दी से मेरी शादी अर्जुन से करा दीजिए। नए साल में आपके घर की बहू बन सकती हूँ मैं, अगर आप चाहे तो। वैसे अम्मा, ये टाइम सोचने का नहीं है, डिसीजन लेने का है। आप समझ रही है ना? क्या बात करनी है तुम्हारे पापा से? आपसे बस एक शब्द कहना चाहती हूँ, और वो शब्द है थैंक्स। सबके सामने मक्खन की साइड लेके लड़ने के लिए थैंक्स, मुझे सबके सामने डांटने के लिए थैंक्स। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है पापू कि आपने मेरी शादी तोड़ दी, बल्कि इस बात की खुशी है कि आपने हम लोगों की सच्चाई और ईमानदारी के लिए शादी तोड़ दी। आपने जिस तरह रिएक्ट किया उससे तो ये बात कन्फर्म है कि जो कुछ भी है उसके पीछे आपका हाथ नहीं है। अगर आप ये सब करते तो इस तरह सीना ठोक के सबके सामने की शादी नहीं तोड़ते, बल्कि किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाते। अगर आपने और लावण्य ने ये सब किया होता तो आप दोनों भी इस गैस से बच के रहते। इनफैक्ट लावण्य पे शक करना भी शायद मेरा वहम ही है, या फिर मेरा गिल्ट, अर्जुन की जिंदगी में लावण्य की जगह लेने का गिल्ट। इसीलिए अब तक अर्जुन और मेरी शादी में जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैंने लावण्य पे शक किया, और आप तो शुरुआत से हमारी शादी के खिलाफ थे, तो आप पे भी शक किया पापू। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मक्खन, मुझे तुझे सबके सामने थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तू ना तू मुझे थप्पड़ मार दे। अरे जी आप क्या कह रही है दीदी, इतना दर्द तो अपन को आपके मारने से नहीं हुआ जितना आपकी बात से हो रही है, और वैसे भी अपन के थप्पड़ खाने से आपका और मालिक का रिश्ता मजबूत होता है, तो अपन रोज थप्पड़ खाने को तैयार है दीदी। थैंक यू मक्खन। थैंक यू तो अपन को बोलना चाहिए, ये सब बवाल के चक्कर में पूरे इंदौर को पता चल गया कि मालिक अपन को सिर्फ बेटा कहते ही नहीं है, मानते भी है। अच्छा हुआ मालिक, रूमी दीदी के मन का वहम तो दूर हो गया और शादी भी टूट गई। अब ये शादी होकर ही रहेगी, अब भगवान भी ऊपर से नीचे आ जाए ना तो ये शादी नहीं रोक सकता। भगवान, मालिक अपन को कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले सब चाहते थे कि शादी हो तो आप तोड़ना चाह रहे थे, और जब अब टूट गई है तो आप। पहले मैं ये शादी इसलिए तोड़ना चाहता था क्योंकि मैं अपने आप से ज्यादा रूमी से प्यार करता हूँ। अब ये शादी रोकने का जो प्रयास कर रहा है, अगर उसे मैं न रोकूं तो मैं रूमी का पापू कैसे कहलवाऊंगा? मतलब आप ये कहना चाह रही है कि ये शादी को कोई रोकना चाह रही है? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कोई संजोग नहीं है, ये कांड है, और इस कांड के पीछे मानो न मानो वो लावण्य का ही हाथ है। पर जहां तक शादी तोड़ने का सवाल है मालिक, ये काम कुट्टी जी भी तो कर सकती है। नहीं 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 नहीं, ये चारू लता कुट्टी चाहे कितनी भी बुरी हो लेकिन वो अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी कभी। अब देखो, ये पूरे कांड में उसका पति भी सहभागी है, उसके साथ हुए सारे रिश्तेदार भी सहभागी। नहीं,
सिर्फ ये शादी तोड़ने के लिए वो इतने सारे लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। अब बची सिर्फ लावण्या। ये लावण्या को ही ये शादी टूटने का फायदा हो सकता है। लगता है संजीव अंकल को मुझ पे शक हो गया है और ये मुझसे बात करने जरूर आएंगे। नहीं, मुझे कुछ भी कर अंकल को रोकना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या अर्जुन? इतना बड़ा हंगामा हो गया, हमारी शादी टूट गई, अब यहाँ क्या करने आए हो अर्जुन? अपना प्रॉमिस पूरा करना है। कैसा प्रॉमिस? बताऊं या दिखाऊं? हैप्पी न्यू ईयर। एक प्रॉमिस तो मैंने पूरा कर दिया रूमी, अब वक्त आ गया है कि मैं दूसरा प्रॉमिस भी पूरा कर दूं। तुम्हें रूमी सकलेचा से माला माल कुट्टी बना दो। मलम्मा। मलम मैं। शायद तुम भूल गए अर्जुन कि ये नाम चेंज करने का आइडिया तुमने बहुत स्मार्टली रिजेक्ट करवा दिया था। अगर मैं अपनी होने वाली वाइफ का नाम नहीं सेव कर सकता तो वाइफ को कैसे सेव करूंगा? I'm serious अर्जुन। ओके सॉरी। अब कोई चांस नहीं है हमारी शादी का। मैं पापू के अगेंस्ट नहीं जा सकती। रूमी, I know, जो कुछ भी हुआ सही नहीं था, लेकिन I'm pretty sure के सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। तुम ये सब छोड़ो और दो मिनट में वहां देखो, वहां पे आतिशबाजी चालू होने वाली है। दिखा? नहीं दिखा? अब दिखे। बाय। अयो, मिस्टर सकलेचा, अब बाहर क्यों खड़ा है? आइए अंदर आइए, प्लीज कमिंग प्लीज। आपके हाथ का चोट कैसा है? बहुत मामूली है, नथिंग सीरियस। आप खड़ा क्यों है? बैठिए बैठिए, कुछ चाय कॉफी आपके लिए? कॉफी नहीं, माफी चाहूंगा। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपसे और आपके परिवार से माफी मांगने के लिए आया हूँ। क्या बात कर रहा है मिस्टर सकलेचा? हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसमें पूरा गलती आपका नहीं है ना? हमारे साइड क्या लोगों का तो मिस्टेक है? नहीं, हमारी ओर से ज्यादा गलती हुई है। किसका गलती ज्यादा किसका कम ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप खुद हमारा घर पे आया हमसे मिलने के लिए। एक रिक्वेस्ट है, कल आपने बच्चों का शादी तोड़ने का डिसीजन लिया, उसको वापस ले लो। मैं भी यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं। कल जो कुछ भी मैंने गुस्से में कह दिया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। और ये बच्चों की खुशी के लिए हम शादी की रस्म आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ बच्चों का खुशी का बात नहीं है, ये दो फैमिली का खुशी का बात है। रूमी जैसा डॉक्टर इन लॉ हमको मिल जाए, इससे अच्छा खुशी और क्या हो सकता है ना वाइफ जी? मिस्टर सकलेचा, हमारे मिस्टर कुट्टी एकदम ठीक बात कर रहा है। हम भी चाहता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब भूल के हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों को जो पहला प्लान किया था ना, जैसा फंक्शन करेगा वैसा ही करेगा हम लोग सब। बिल्कुल। आपने ये बोल के मेरा मन हल्का कर दिया।
आभार। माफी मांग के रिश्ता तो बचा लिया मैंने, पर रूमी और अर्जुन की खुशी के लिए लावण्या का इलाज करना बहुत जरूरी है। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम।